और ब्राइड आई सी है पार्ट टू। सो अभी तक भी पार्ट वन जिस इसने वॉच नहीं किया फटाफट जाकर पार्ट वन देखो, उसके बाद गाइस पार्ट टू देखना, उसके बाद गाइस नेक्स्ट लेवल में जाएगा। इसलिए गाइस फटाफट जाकर पार्ट वन आज करो, उसके बाद पार्ट टू देखना। उससे पहले गाइस पार्ट वन का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट टू थोड़ा समझ आ जाएगा। ऑल राइट गाइस, मैं हूँ गोल्डन व्हाइट लायन, भाई देख के तो समझ चुके होंगे। सो गाइस मेरे फैमिली में मेरी मॉम, मेरे छोटा भाई, मेरे पापा है, बट सो गाइस मैं इनका सौतेला बेटा हूँ। इसलिए गाइस मेरा पापा मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरी मॉम और दो भाई मेरे को दो आंखों से नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और मेरे को हमेशा मारते हैं। मेरी मॉम मेरा भाई भी सताता है, ऐसा सीन है। उसके बाद गाइस पार्ट वन में मेरे पापा फटाक से आए। सो गाइस उसके बाद मैंने ठान लिया मैं मेरे पापा के साथ दूर जाकर रहूंगा, मैं मेरे फैमिली के पास नहीं रहूंगा, क्यों मेरे फैमिली मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसलिए गाइस सो गाइस मैं मेरे पापा के साथ गया था खतरनाक टाइप के जंगल पे। सो गाइस वहाँ पे मेरे पापा मेरे को शिकार करना सिखा रहे थे, मगर गाइस शिकार करना सिखाने का टाइम अचानक से स्कार का टीम मतलब स्कार और भेड़िया का दल आ गया हमारे सामने। सो गाइस आने के बाद मेरे पापा मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पे अपना जान सेक्रीफाइस कर दिया जैसे कर से। सो गाइस उसके बाद में जैसे तैसे अपना जान भगा के अपने मुल्क पे आ गया, अपने फैमिली के पास। मैं मेरे मॉम और भाइयों को बताया, मेरे पापा को मार डाला, उसके बाद मेरे फैमिली ने मेरे को उल्टा सीधा बोल के भगा दिया अपने घर से। सो गाइस अभी मैं अकेला हूँ, मेरा पापा भी मेरे को छोड़ के चले गए, और मेरी फैमिली मेरा सौतेला मॉम मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा है फिलहाल के लिए। सो गाइस अभी पार्ट टू शुरू करते हैं। सो गाइस मैं हूँ गोल्डन लायन। सो गाइस आपको जैसे पता है मैं अभी मैं बेघर हो चुका हूँ। सो गाइस मेरे फैमिली मेरे घर में मेरे को आने नहीं देना चाहते, कि वो सब कह रहे तेरी वजह से तेरा पापा मर चुका है, इसलिए गाइस मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे फिलहाल के लिए। गाइस बाहर बहुत जगह अंदर ठंडी पड़ी है, मेरा पूरा पसीना भाई ठंड के मारे पूरा कांप रहा है, फिर भी गाइस मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे भाई, इतना ज्यादा ठंड पड़ा है। बाहर देखो गाइस हर जगह स्नो गिर रहा है, और हर जगह गाइस हर एक एनिमल अपने घर जा रहा है, बट मेरा कोई घर ही नहीं है, मैं बेघर हो चुका हूँ। सो गाइस मैं फिर से मेरे मॉम डैड सो गाइस मैं फिर से मेरे मॉम और भाई से बात करने जा रहा हूँ, मुझे घर के अंदर घुसने दे, क्यों गाइस मैं ठंड के मारे बाहर मर सकता हूँ भाई से। अब भाई बाहर बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है। चलो गाइस मैं फिर से मेरे घर के आसपास घूम रहा हूँ, मेरे मॉम से मैं बताना चाहता हूँ मेरी गलती नहीं है, मुझे घर के अंदर घुसने दे, क्यों गाइस मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ बाहर। अरे मॉम एक बार बड़ी बात सुन लिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, प्लीज मेरे को एक बार घर के अंदर घुसने दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तेरी वजह से तेरा पापा मर चुका है, तू हमारे घर में नहीं आ सकता है, तू एक बेघर हो चुका है, निकल। मॉम सही कहा, इस पिद्दी सौतेले भाई को बट तेरी वजह से मेरा पापा इस दुनिया पे नहीं रहा, ये ले पिद्दी तू तो बहुत ज्यादा जीत कर रहा है ना, मर जा पिद्दी तू जाके मर जा, तू कभी भी व्हाइट लाइन नहीं बन सकता हमारी तरह, पिद्दी है तू पिद्दी, तेरी वजह से हमारा पापा मर चुका है, तू पूरा एक नंबर का नकारा। अरे भाई भाई देखो क्या गंदेरा मार रहा है इस ठंडे के मौसम में, मेरा रूह पूरा कांप रहा है, प्लीज छोड़ दो, मैं तेरा गला दबा दूंगा, फटा से यहाँ से चला जा पिद्दी कहीं का भिखारी कहीं का, एकदम से चला जा, तेरी वजह से मेरा पापा यहाँ से नहीं रहा, मॉम इसको भगा दिए, नहीं तो मैं इसको मार के भेज दूंगा। अरे चला जा पिद्दी कहीं का, तू व्हाइट लाइन नहीं बन सकता हमारी तरह, हाँ तेरी वजह से तेरा पापा मर चुका है। अरे यार देखो गाइस मेरे को कैसे मार के भगा दे रहे हैं यहाँ से, गाइस मैं फटाफट यहाँ से भागता हूँ, गाइस मैं यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे मैं रहना नहीं चाहता, जरूरत पड़े गाइस मैं बाहर मर जाऊंगा ठंड के मारे, मगर गाइस मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। गाइस यहाँ पे उल्टा सीधा मेरे को बोला जा रहा है, कहीं मेरा कोई गलती नहीं था। सो गाइस आप पार्ट वन जाके एक बार देख के बताइए, गाइस मेरा ही गलती था, मेरी वजह से मेरा पापा क्या मर चुका है। सो गाइस उसके बाद पार्ट टू में आके कमेंट कर दीजिए यस और नो में, उसके बाद गाइस मैं समझ जाऊंगा किसका गलती है। तो लाल के लगाइस मेरा कोई घर नहीं है, मैं कैसे रहूं क्यों रहूं। सो गाइस आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करके बता सकते हैं, उसके भाई यहाँ पे तो हर जगह पूरा एकदम ठंडी गिरा है, गाइस मैं कैसे रहूं यहाँ पे, गाइस मैं तो व्हाइट गोल्डन लायन हूँ, हम सब ठंडे में बहुत ज्यादा जम जाते हैं, फटाफट घर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा। एक मिनट गाइस यहाँ पे देख भेड़ियों का पूरा दल है, भाई क्या बातचीत कर रहे हैं, भाई मेरे को सुनना चाहिए। हम लोग गोल्डन व्हाइट लायन के बाप को तो मार दिया, मगर सुना है उसका बेटा भी है गोल्डन व्हाइट लायन, उसे मार देते हैं, आने वाले कल में बड़ा हो गया तो हम लोगों को दिक्कत होगा, साला पिद्दी टाइप का छोटा लायन है, गलती से बड़ा हो गया तो हमारा सर खा लेगा, समझ गए मेरी बात, चुपचाप जाके उस छोटे से पिद्दी लायन को मार देंगे। मालिक ए सुरती लगा के मारी के कहीं ना एक नंबर बात सुरती लगा के, हाँ मजा आ जाएगा रे मालिक, अपने एक नंबर बात के छोटे से लाइन को मारने में जो मजा है ना, जिंदगी में कोई लाइन को मारने का इतना मजा नहीं है सुरती लगा के। ओ मोर सटिया पापर वाले नू, हम जरूरत पड़े तो उसके गोल्डन लाइन फैमिली को खत्म कर देंगे, उससे पहले वो छोटा सा बेबी लाइन को खत्म कर देंगे।
उसके बाद हमारा मालिक खुश होगा, स्कार मालिक उसके बाद खुश होगा, समझ गए ना। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सो गाइस मुझे पास से सुनना चाहिए भाई, मुझे इतना लगता है ये सब कोई प्लान बना रहा है मेरे फैमिली को खत्म करने का। सो गाइस मुझे मेरे फैमिली को बचाना पड़ेगा। सो गाइस मुझे जानता हूँ मेरा फैमिली मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मगर गाइस मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा भाई मेरा मॉम को कुछ हो, मैं उन सबको जैसे करके बचाना चाहता हूँ। मुझे इन सबकी बात फटाफट सुनना चाहिए, क्या करना चाहते हैं सब। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले उस गोल्डन लायन के फैमिली को खत्म करते हैं ना, उसके बाद छोटे फैमिली खत्म कर देंगे। आई मीन छोटे से बच्चे को पहले उसके फैमिली खत्म करते हैं, और फैमिली हम लोगों के नाक में दखल अंदाजी करेगा। हाँ उसके बाप को तो मार ही दिया, उसके फैमिली को मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैसा लगा मेरा प्लान? उसके बाद हमारा मालिक मतलब हमारा स्कार मालिक बहुत बहुत ज्यादा खुश होगा। स्कार मालिक जितना ही खुश होगा उतना हमारा ही फायदा। सुन गया मेरी बात? मोर सटिया पावर वालू, ओहो मजा आ जाएगा। उसके फैमिली को पहले खत्म करते हैं, गोल्डन व्हाइट लाइन को फैमिली को, ओहो मजा आ जाएगा रे। मोर सटिया पावर वालू, मालिक मेरे को इतना लगता है हम लोगों का बात कोई सुन रहा है, मेरे को थोड़ा आवाज आ रहा है बाहर का, लगता है कोई है हमारे आसपास। पहले इसके फैमिली को पकड़, इसके बाद उसे नोच खाएंगे। हाँ उसके माँ को उसके भाई को। हाँ एक मिनट गाइस मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सो गाइस मुझे लगता है ये सब मेरे फैमिली को खत्म करना चाहते हैं पहले। सो गाइस मुझे जैसे करके मेरे फैमिली को बचाना पड़ेगा। गाइस मेरे को जितना लगता है कोई किसी को पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ। भाई ये सब बात तो ऐसे ही कर रहे हैं। एक मिनट गाइस यहाँ पे कोई भेड़िया आ रहा है। एक मिनट, ओ मोर सटियम, अरे मालिक मैं यहाँ पे। अरे एक मिनट गाइस मैं क्या काम से। अरे गाइस मुझे फटाफट भागना चाहिए। एक मिनट गाइस मैंने नहीं सोचा था मेरे को एकदम से पकड़ लेंगे। भाई मैं फटाफट कहाँ से भागू गाइस, मैं ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ सकता, मैं बेबी लायन हूँ। चलो गाइस मैं इसके अंदर घुसने का ट्राई करता हूँ। एक मिनट मेरा सिर पे लग गया, आज तो मैं गया। मजा आ गया रे बेबी गोल्डन लायन, हमारे चुपके चुपके बात सुन रहे हो। हाँ हम लोगों का प्लान था सबसे पहले तुम्हारा खात्मा करा जाए। चलो तुम तो दौड़ते दौड़ते हमारे इन मुंह पे निबाले पे आके चूचू चूचू कर रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया, पहले मैं तुमको खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हारा फैमिली को जैसे तुम्हारे बाप को खत्म किया था। हाँ मजा आ जाएगा। उसके बाद हमारा मालिक स्कार मालिक से भी ज्यादा खुश हो जाएगा, उसको खुश देख के हमारा ही सुकून है। एक मिनट गाइस, ये तो गाइस मेरे को मारने की बात कर रहा है। गाइस आज तो मैं क्या काम से, क्यों गाइस मेरे को भागने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। हर जगह गाइस पूरा गार्ड है, मैं इसके ऊपर ऊंचा छलांग भी नहीं लगा सकता। गाइस मैं लग जाए मर जाऊंगा। सो गाइस जो जो अभी तक देख रहे हो एक बार सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद गाइस सब सिचुएशन ठीक हो जाए। बचाने वाला दुनिया में तेरे को कोई नहीं है। हाँ ए पिल्लो पहले इसका खात्मा कर, सर खुदेड़ दे इसका। ओ मोर सटिया पापर बालू, हो मैं जिंदगी में बेबी लाइन नहीं मारा, आज मारूंगा। हो मोर सटिया पापर बालू। अरे कौन रहा मालिक लग गया रहा है, वही मेरे को काचोर से मार रहा है मोर सटिया रे। अचानक से हुआ क्या, तू नीचे कैसे गिर गया? अबे पिल्लो जाके इसका सर फोड़ दे, क्या हुआ इसके सामने देख। क्या बात कर रहे हो मालिक, मालिक ये कौन ही है पिद्दी? मालिक लग जा रहा है, कौन है यहाँ पे बचा ले मालिक, यहाँ पे कोई लग गया आत्मा है। एक मिनट गाइस हो क्या रहा है यहाँ पे, भाई कौन मेरे को बचा रहा है? भाई ये सब दोनों अचानक से कैसे मर गए गाइस, अचानक से भाई सब बेहोश हो चुके हैं। मतलब गाइस हो क्या रहा है, मैंने तो इसको कोई बाढ़ भी नहीं किया। गाइस मैं तो ज्यादा कंफ्यूज हूँ गाइस, मैं बहुत डर गया हूँ। पिद्दी क्या कर रहा है बोल, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है, तू कुछ जादू टोना कर रहा है। मैं हूँ, मैं जब तक हूँ मेरे बेटे को कोई टच नहीं कर सकता, मेरी बात सुन गए क्या? हाँ मैं हूँ अभी तक जिंदा। एक मिनट गाइस ये तो पापा का आवाज है, एक मिनट। हाँ बेटा मैं अभी तक हूँ, मैं जब तक हूँ मैं तुम्हारा रक्षा करते रहूंगा मरते दम तक। मेरे बेटे को तुम सताने का सोचा कैसे, ये ले बता दो तुम्हारे स्कार मालिक को, मैं जब तक हूँ मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे सर्दी लगा के, अरे भागो रे साला, ये कौन है रे? भूत आत्मा आ चुका है, वो तो मर चुका है, मैंने उसको खुद मार दिया, मेरे को बताए मगर वो जिंदा कैसे हो गया? अरे लगता है कोई भूत होगा रे, लगता है क्या काम से स्कार मालिक को बताना पड़ेगा। अरे जिंदगी में भूत ना देखा ऊपर से भाई कौन है रे। एक मिनट गाइस पापा आप आसपास है क्या, मैं आप मेरी बात सुन पा रहे? एक मिनट गाइस मैंने पापा का आवाज सुना। ओ बेटा मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। एक मिनट पापा आप कहाँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे क्या? नहीं हो सकता बेटा। अरे पापा आप मेरे साथ रहो, मॉम ने मेरे को पूरा बेघर कर दिया है, मेरे छोटे दो भाई ने भी मेरे को बहुत ज्यादा गंदेरा सताया है। भाई दोनों भाई तीनों मेरे को बहुत ज्यादा गंदेरा सता रहे हैं, मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं है। आप इसे मेरे से प्यार करते थे, आप भी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। पापा आप मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा अब यहाँ से नहीं, रहे छोड़ के मत जाओ। आप यहाँ पे रहोगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मेरे को देखने वाला मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मेरे को कोई नहीं है। आप
याला बाप प्लीज आप छोड़ के मत जाओ हम लोगों को। नहीं बेटा, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकता, मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकता। मैं जैसे करके ऊपर से आया था जैसे तुमको बचाने के लिए। बेटा कभी हिम्मत मत हारना, क्यों एक दोस्त है तुम्हारा हर जगह मदद करेगा। पापा मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरा मदद करेगा, मेरा कोई नहीं है। और बेटा कोई है तुम्हारा, सोचो कौन तो होगा। अरे पापा कोई नहीं है, मैं जब सोचता हूँ आपके अलावा कोई नहीं दिखता मेरे को। नहीं बेटा, तेरा व्यूअर्स लोग है जो तेरे को देख रहे हैं, वो सबको जब तेरे को जब जरूरत पड़ेगा उन सबसे बोलना सब्सक्राइब करने का, उसके बाद तेरा हौसला बढ़ जाएगा, उसके बाद जैसे करके मैं आ सकता हूँ तेरा मदद करने। ऑल राइट गाइस, पापा कह रहे हैं मैं जब आप लोगों को सब्सक्राइब करने बोलूँ उसको गाइस आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ना पापा आ सकते हैं यहाँ पे मेरा जैसे करके बचाने के लिए, और मेरा हौसला भी बढ़ सकता है। और एक मिनट गाइस, आप ही मेरा असली दोस्त हो। सो गाइस पापा कह रहे हैं आप सभी मेरे दोस्त हो। भाई साहब मैं तो पूरा चौंक गया हूँ। हाँ बेटा, मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। अरे पापा प्लीज़ मत जाओ। नहीं बेटा, एक मिनट, ये क्या हो रहा है दोस्तों? अरे ये पर्पल कलर का धुआं, एक मिनट, ये तो धुआं बहुत जोर से हो रहा है। एक मिनट पापा, अचानक से भाई पापा यहाँ पे हो? पापा आप कहाँ पे हो? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट पापा, आपको होना चाहिए ना, लगता है गाइस पापा मेरे को छोड़ के फिर से चले गए। सो गाइस मैं बात मेरी फैमिली को बताता हूँ, मेरे पापा अभी भी जिंदा है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अरे मैं फटाफट जाता हूँ, अरे मैं इस कार वाली को बताना पड़ेगा ये बात, वहाँ पे कोई भूत आ चुका है, वो साला पेदी लाइन को बचा रहा है, उसके फैमिली को बचा रहा है, उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। अरे मैं क्या सोच के गया था, सारे ख़त्म कर दूंगा, अब इस कार मालिक अपसेट हो जाएगा, इस कार मालिक मेरे ऊपर उल्टा गुस्सा होके ना मेरे को ना ख़त्म कर दे। भाई मेरे को तब से इतना जोर से डर लगना शुरू हो गया भाई, टट्टी ना कर दे। अरे इस कार मालिक एक दुख खबड़ी है, ऐसा खबड़ी कभी नहीं सुना, मालिक क्या ही बताए। मालिक एक गड़बड़ हो चुका है, वहाँ पे ना भद्दा सा एक चीज़ हो चुका है, मैंने उसको मारने का कोशिश किया मगर एक जादुई चीज़ आके उसको बचा लिया मालिक। जादुई चीज़? हाँ फिर से बहाना मार रहे हो, एक पिद्दी से गोल्डन वाइट लाइन का फैमिली को ना ख़त्म कर पाए, तुम कैसे बहरिया हो, तुम मेरे खास आदमी हो। हाँ तुम कैसे खास आदमी हो, एक पिद्दी से फैमिली को ना ख़त्म कर पाए। हाँ मेरे का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। हाँ लगता है कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे खास आदमी बनने का कोई लायक ही नहीं हो। अब तुम्हारा खात्मा है। अरे मालिक छोड़ दो रहे यार, अरे अरे मेरा बाजू जल रहा है, अरे मालिक। तुम मेरे खास आदमी नहीं बन सकते। मालिक मैं आ चुका हूँ आपके सेवा में, मुझे जैसे खबर पड़ा उस गोल्डन लाइन फैमिली खत्म करना है, उन सब का रक्षा कर रहा है एक मुफासा, वो मर चुका है मगर एक जादुई शक्ति से आके उन सब की मदद कर रहा है। मालिक मेरे को सबका सब पता है, मैं थ्री हेडेड वेनम हूँ, मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ। मालिक मेरे को सिर्फ एक मौका दीजिए, एक मौके पे मैं उस फैमिली को पूरा जला के खाक में मिटा दूंगा। मालिक से एक मौका की जरूरत है। मैं ही सुनना चाहता हूँ, ठीक है। एक मिनट गाइस, मेरे पूरे बॉडी में क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस, ये पर्पल कलर का धुआं भाई मेरे मुंह पे जा रहा है गाइस, लगता है कुछ गड़बड़ है। एक मिनट गाइस, ये हो गया रहा है, धुआं खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई, से कब बंद होगा भाई? एक मिनट भाई बंद हो जा, एक मिनट भाई फाइनली। ऑल राइट गाइस, मैं तो अपग्रेड हो चुका हूँ, लगता है गाइस मेरे पापा ने मेरे को अपग्रेड कर दिया खतरनाक टाइप की शक्ति से, मगर गाइस कैसे हुआ? सो गाइस मैं देखो, मैं तो गोल्डन व्हाइट लाइन बन चुका हूँ गाइस, मैं पहले से बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ, और गाइस मेरे हेड के ऊपर व्हाइट का टैटू बन चुका है भाई साहब, मैं मेरे फैमिली को दिखाऊंगा मैं बड़ा हो चुका हूँ। अरे मामा इधर देखिए, मैं बड़ा हो चुका हूँ, पहले से कितना बड़ा हो चुका हूँ। देखो मेरे पापा ने मेरे से मिलना आए थे, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, और पापा ने अभी तक जिंदा है, वो सब मेरे को हम लोगों को बचा रहे हैं, बुरे शक्ति से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लगता है आ चुका है, फिर पागल आ चुका है, तू कभी बाप नहीं सुनेगा पिद्दी गाई का, तू हमारा बेटा नहीं है, तू बेघर एक नालायक पिद्दी है, मानता हूँ बड़ा हो चुका है मगर तू एक बेघर बेघर ही रहेगा, हमारे घर के आसपास घूमा तो तेरे को गंदी तरह मार के भगा दूंगा, तू मेरे बेटे को ऊपर गलत नजर रख रहा है, तू बड़बड़िया से पाक जा, तेरी वजह से मेरा दो बेटा भी मर जाएगा। एक मिनट मम्मी मेरी बात तो सुन ले, मैं पहले से बड़ा हो चुका हूँ, पापा मेरे से मेरी बात ही नहीं सुन रहे मेरी माम। अरे पागल पूर पड़ा से निकल जा, कभी नहीं हो सकता ये, फटाफट चला जा। बात तो सुन लो एक बार प्लीज, बात तो सुन लो मेरी माम, बात आ रही थी मैं तेरे को सर फोड़ दूंगा, तू मेरा गुस्सा फैला रहा है बहुत ज्यादा, यहां आ पे तू। अरे मेरी बात सुन लीजिए,
गाइस मेरी मॉम मेरे को गाइस मॉम बहुत ज्यादा गंदे मेरे को मार डाल रहे हैं। सो गाइस मुझे फटाफट यहां से भागना चाहिए। गाइस मैं इनसे कभी नहीं बात करूंगा। गाइस ये सब बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं पापा अभी तक जिंदा है, मगर गाइस ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे ऊपर। सो गाइस आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो पार्ट 3 कमेंट करना मत भूलना। लगता है गाइस मेरी मॉम को मेरे को कभी शिकार नहीं करेगा अपने बेटे होते हुए। ये रहा गोल्डन वाइट लायन का घर, बहुत बढ़िया। अब इस लायन के फैमिली को कोई बचा नहीं सकता। हम गोल्डन लायन फैमिली को मरने के लिए बेताब हो चुके हैं। पार्ट 3 में मैं इस फैमिली को पूरा गंदी तरह मार डालूंगा।